जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 21 मार्च सन 2023 है। महर्षि संवत्सर 106 चल रहा है। विक्रम संवत 2079 के अंतर्गत उत्तर अयन वसंत ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि 11:04 रात्रि पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। आज दिन मंगलवार है। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। 5:31 सायं पर्यंत रहेगा। तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। आज शुभ योग है। 12:45 दिन पर्यंत रहेगा। तत्पश्चात शुक्ल योग शुरू होगा। आज चतुष्पद करण है। 12:04 दिन पर्यंत तत्पश्चात नाग करण शुरू होगा। आज सूर्योदय का समय है 6:00 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:00 सायं। राहु काल का समय है 3:00 से प्रारंभ होगा दिन में और 4:30 दोपहर पर्यंत राहु काल रहेगा। आज भौमवती अमावस्या है। इसमें स्नान दान श्राद्ध कार्य करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आय की अपेक्षा धन अधिक खर्च होगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी। मानसिक कुछ चिंताएं रहेंगी। परिवार को लेकर के संतान और जीवन साथी को लेकर के कुछ न कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। परिवार के किसी व्यक्ति के अस्वस्थ होने के कारण भी कुछ मानसिक चिंताएं और अत्यधिक धन का खर्च होगा। आकस्मिक यात्रा आदि भी संभव है, लेकिन आत्मबल साहस पराक्रम धैर्य के साथ आपको कार्य करने से बहुत अधिक परेशानियों से आप बच पाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र इस समय गोचर में मेष राशि में राहु के साथ में विराजमान है, जो कि अपने से द्वादश है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी आय की अपेक्षा खर्चे की अधिकता होगी। मानसिक दबाव रहेगा। भौतिक सुविधा के प्रति रुझान बढ़ेगा और खर्च अधिक लाभ के खर्च अधिक होगा। लाभ कम होने से कुछ न कुछ परेशानियों का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा और आपको शुक्र की अनुकूलता के लिए महिलाओं का सम्मान करें। अपनी बहन बेटियों का सम्मान करने से शुक्र की जो प्रतिकूलता है उसमें कमी आती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो कि गोचर में मीन राशि विराजमान है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। व्यापार की उन्नति होगी। आर्थिक लाभ होगा। संतान का सुख प्राप्त होगा। आकस्मिक कुछ धन लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं, अथवा किसी को आपने धन दिया है वह आपको वापस प्राप्त हो जाए। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और यात्राएं आदि भी संभव है होंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। जहाँ कार्य की चिंता तो होगी, कार्य में सफलताएं मिलेगी। नौकरी आदि जो कर रहे हैं उनके प्रमोशन इत्यादि के भी संकेत हैं, लेकिन अपने परिवार में किसी घनिष्ठ व्यक्ति के साथ में विवाद झगड़ा लड़ाई कलह जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होंगी और इस समय आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में पराजय का सामना करना पड़ सकता है और राजकीय पक्ष के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। उच्च अधिकारी वर्ग के लोगों से विवाद ना करें, नहीं तो आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाने में भी सावधानी रखें, चोट चपेट आदि की संभावनाएं हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मंगलमय होगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता, मन की प्रसन्नता, कार्य क्षेत्र वृद्धि, आर्थिक लाभ के संकेत दिखलाई दे रहे हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन मिला जुला होगा। जहां स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी, वहीं पर परिवार जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ विवाद जैसी स्थिति या अथवा साझेदारी के कार्य से हानि और आपका प्रतिकूल स्थानांतरण होने से जो नौकरी कर रहे हैं, मन में खिन्नता, मानसिक परेशानी का सामना और व्यर्थ की यात्रा आदि होंगी। धन का खर्च अधिक होगा।
वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की कुछ प्रतिकूलता रहेगी और व्यर्थ के बाद विवाद लड़ाई झगड़ा से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको धन का खर्च, समय की बर्बादी अधिक होगी। हनुमान जी की आराधना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगी। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहेगा। जहां भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ होगा, वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। धनुराशि वाले व्यक्ति अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करें। जिस किसी नवीन कार्य की योजना बनेगी, जो कार्य करें उसमें सोच विचार करके योजना बना करके यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ धीमापन रहेगा, अवरुद्ध उत्पन्न होगा। जो परिवारजनों का सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षाकृत सहयोग कम प्राप्त होगा। इस समय अपने को एकाग्रता से कार्य करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि मूल त्रिकोण राशि का है। इस समय स्वास्थ्य की अनुकूलता अवश्य होगी, आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन मानसिक चिंताएं आपको रहेंगी और किसी न किसी आपके लेन देन को लेकर के कुछ परेशानी रहेगी। धन आर्थिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति इस समय शरीर में आलस अधिक बना करके रखेंगे, जिसके कारण आपको कई कार्य आपके रुक सकते हैं या बाधा उत्पन्न हो सकती है, या समय से कार्य ना करने के कारण आपको अपमानित होना पड़ सकता है, लेकिन परिवारजनों का सहयोग अवश्य मिलेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मंगलमय रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन में प्रसन्नता होगी, आर्थिक लाभ होगा, कार्य क्षेत्र की वृद्धि होगी, आत्मबल, साहस, पराक्रम, धैर्य की वृद्धि होगी। ध्यान साधना, पूजा पाठ आदि के लिए समय अनुकूल है। अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।